हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। एक नई रिक्रूटमेंट आई है। अगर आपको अपने ज़िले या फिर अपने आसपास के रिक्रूटमेंट की जानकारी चाहिए, चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो या फिर कोई और स्कूल से, KVS से या फिर सैनिक स्कूल से, जो कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट या एडहॉक बेस पे वैकेंसी आती है उसकी जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर लिख दें। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं वो जरूर लिख दें। जब भी आपके लिए रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। देखिए, इसकी जो आवेदन करने की आखिरी तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है, तो आपके पास पर्याप्त समय है, इसे आप फिल कर दें। याद रखिएगा, साधारण डाक से इसे नहीं भेजना है। आई रिपीट, साधारण डाक से इसे नहीं भेजना है, इसे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजिए या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, जो फॉर्मेट है PDF, वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को जो है नीचे कॉमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है तो यहां से देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक की फोटो आपको यहां से दिख रही होगी, तो जाकर यूजर नेम से आप उसे सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। सबसे पहले मैं PDF ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, ये PDF आपको दिख रहा होगा। अब एक एक पोस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा के लिए रिक्रूटमेंट आई है। दो वैकेंसी है, एक जनरल के लिए और एक ST के लिए, दो वैकेंसी आपको दिखेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित वर्ग के लिए 4 वैकेंसी आपको दिखेगी, यहाँ पे चारों ST के लिए रिजर्व रखी गई है। अगला जो वैकेंसी है वो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान विषय के लिए है, 3 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी जनरल वाले के लिए और 1 वैकेंसी ST के लिए रिजर्व रखी गई है, टोटल 3 वैकेंसी है। अब आगे देख लीजिए, विज्ञान वर्ग के लिए 3 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी UR के लिए, 1 वैकेंसी ST के लिए रिजर्व रखी गई है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान के लिए 2, जिसमें कि 2 वैकेंसी है UR के लिए और 2 ही वैकेंसी टोटल है यहाँ पे। महिला के लिए देखिए, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी जनरल के लिए, 1 वैकेंसी ST के लिए, 2 वैकेंसी है टोटल। तो टोटल 13 वैकेंसी आई है, 13 ही वैकेंसी आपको टोटल में दिखेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ से देखो, निबंधित डाक के द्वारा जो है आपको भेजना, यानी कि या तो आप स्पीड पोस्ट करो या फिर रजिस्टर्ड डाक करो, इसकी सूचना मैंने आपको पहले ही दे दी थी। और ये देखिए कब तक भेज सकते हो आप, 16/1/2024 तक आप इसे भर सकते हो। तो देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और सैलरी पहले आप देख लो। 15,840 रुपये आपको दिया जाएगा। 3 साल के बाद अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो 50% की जो है आपकी वो सैलरी जो है बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है महिलाओं के लिए वो 38 साल है, SC ST के लिए जो है 40 साल है। इसके अलावा जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए 10 साल एज रखी गई है, और अनुभवी सर्विस मैन जिन्होंने काम कर रखा है उनको 5 साल की जो है छूट भी मिलेगी। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट देख सकते हो। आवेदन का नाम, हिंदी इंग्लिश में आपको अपना नाम लिखना है, और पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे भर देना है, आयु, लिंग, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, ये सब आपको लिखना है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ से भर देनी है। इसके बाद BEd वगैरह जहाँ से भी कराए ये आपको फिल करके भर देना है। ये टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। अब देखिए मामला एक जगह यहाँ फंसता है। यहाँ पे देखिए, पहला जो शैक्षणिक अर्हता है इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए। इसके अलावा BEd भी जो है आपका 50% के साथ होना चाहिए। आगे देख लो, समस्या क्या आती है वो आप यहाँ से देखोगे तो दिखेगा आपको। TET की परीक्षा जो है अनिवार्य है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा जो ली गई है, यानी कि झारखंड से वैकेंसी है, तो झारखंड सरकार से JTET जो आयोजित किया गया है वही आप करोगे तो आपका काम बनेगा। तो दिक्कत यहाँ पे आपको दिख रही है। तो जिन लोगों ने JTET की परीक्षा दी है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, JTET वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे उनको किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, नौकरी मिल रही है आपको यहाँ पे, और अदर वाले भर नहीं सकते हैं। आपकी जो भी राय हो, JTET 2016 में कंडक्ट कराया गया है पिछली बार, इसके बाद वैकेंसी आई नहीं है, तो ऐसे में ये कहाँ तक और किस हद तक सही है आप ही बताओ। तो ये वैकेंसी देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो इसे जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए ताकि लेट ना हो जाए। और अप्लाई करने का जो एड्रेस रहेगा यहाँ से आप देख लीजिए, झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज, मध्य पूर्व या फिर माध्यमिक विभाग कुछ भी हो, आप भी ऐसा ही लिख देना, पुलिस लाइन परिसर साहेबगंज 816109 पे आप इसे भेज सकते हो। तो ये वीडियो झारखंड के लिए था। आपके जगह से भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके ही फायदे में रहने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का फिर से हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।